रोहतास थाना क्षेत्र के अंतर्गत डालमिया सीमेंट कंपनी बंजारी में एक मजदूर की काम करते समय मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक गांव कर्मा का रहने वाला है और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। मृतक डालमिया सीमेंट कंपनी में फिलहाल गार्ड के रूप में कार्यरत था, जिसके चलते मृतक रात करीब 8 बजे, बताया जा रहा है कि, अपनी ड्यूटी पर काम करने के लिए कंपनी गया हुआ था। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कंपनी के वर्करों का कहना है कि रोड साइड का लाइट कंपनी ने काट दिया था, जो कभी लाइट नहीं करती थी, और बाहर गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा को भी हटा दिया गया है। इस हत्या में कंपनी का पूरा पूरा हाथ है। HBN न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ही चाहते हैं कि इनका परिवार के एक नौकरी होना चाहिए जी, और मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा 40 से 50 लाख। 40 से 50। इनके ही लड़के हैं। हाँ, इनके लड़के, आप बोलिए आपका नाम सर। इनके ही डैडी के डैडी कुमार। उनका नाम क्या था जिनका एक्सीडेंट हुआ है? मुनारिका प्रसाद था सर। ये कितने बजे ड्यूटी करने आए थे? 2 बजे। 1 बजे घर से निकलते हैं, 2 से 10 का ड्यूटी है नाइट में। हाँ, नहीं नहीं, डे में। ये आप लोगों को कितने बजे पता चली है? हमको लगभग 9:51 में पता चला। आप उनका बॉडी देखे हैं? हाँ। वो कहाँ पे था? वहाँ जो ट्रक है ना, ट्रक लगा हुआ था। हाँ, ट्रक के पास ही था।